झांसी में सेलटेक्स के असिस्टेंट कमिश्नर राजीव काज के 18 साल के बेटे कौस्तुभ ने गुरुवार को 8वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। शनिवार शाम को पुलिस घर पहुंचकर कौस्तुभ के कमरे की तलाशी ली। कमरे में कौस्तुभ का लैपटॉप बरामद हुआ। उसके लैपटॉप में पुलिस को 3 लाइन का अधूरा सुसाइड नोट मिला है। इंग्लिश में लिखा है, सॉरी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। कौस्तुभ ने आखिरी मैसेज एक लड़की को लिखा था, जिसमें लिखा था, आई लव यू। पुलिस ने लैपटॉप को जब्त कर लिया है। अब पुलिस मोबाइल और लैपटॉप का डाटा खंगाल रही है। वहीं दूसरी ओर कौस्तुभ के परिवार ने पुलिस को बताया, कौस्तुभ पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वह अपने करियर को लेकर दबाव में रहता था। पढ़ाई को लेकर बेहद परेशान रहता था, जबकि उसका रिजल्ट अच्छा ही आता था। उसके 12वीं कक्षा के हाफ ईयरली एग्जाम शनिवार से ही होने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।